छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माँ बम्लेश्वरी देवी के दरबार में आज आधुनिक 10 करोड़ के रोप वे यानी उड़न खटोला का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू तथा प्रभारी मंत्री शामिल हुए। इन्होंने सर्वप्रथम माँ बम्लेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की, उसके बाद नए रोप वे का उद्घाटन किया गया। 10 करोड़ के नए रोप वे में क्या है खास, आइए आपको बताते हैं। इस आधुनिक रोप वे में 1300 मीटर ऑस्ट्रेलिया का रोप लगा है और साथ ही 14 ट्रालियां लगाई गई हैं। एक ट्राली में अधिकतम 6 लोगों की बैठने की सुविधा रहेगी। एक घंटे में 500 दर्शनार्थी आवाजाही कर सकते हैं। रोप वे निर्माण में 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसे निर्माण करने में 4 साल लग गए। माता के दरबार के ऊपर पर्वत 650 मीटर की चढ़ाई मात्र 3 घंटे 25 सेकंड में तय होगी। आपको बता दें कि नवरात्रों में इसकी 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध रहेगी। नए रोप वे बनने से आम लोगों में भी खुशी का माहौल देखने को मिला है। सोन कुमार सिन्हा के साथ नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। आज का जो कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज बम्लेश्वरी मंदिर उड़न खटोला का माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मोहम्मद अकबर जी, माननीय ताम्रध्वज साहू, माननीय परेश्वर बघेल जी, विधायक डोंगरगढ़, इनके द्वारा आज पूजा अर्चना कर माता जी के रोपवे का उड़न खटोला का शुभारम्भ किया गया। आपका कार्यकाल का बहुत बड़ा उपलब्धि है, तो इसी प्रकार जो नीचे मंदिर का अभी कुछ प्रोजेक्ट बचा हुआ है वो कब पूरा होगा? रोपवे बनने में ये समझ लीजिए कि तीसरा, मतलब मैं अध्यक्ष हूँ जिनका इस रोपवे में सहयोग रहा है। सबसे पहले पितामह स्वामी, फिर विजेतन भैया जी और फिर मैं। माता जी कृपा से मुझे अवसर मिला कि मेरे कार्यकाल में रोपवे का शुभारम्भ हो सकता है। राज्यसभा है वो देश का होता है और ये अपर हाउस है, और अपर हाउस में जहाँ स्थानीयों को भी महत्व दिया जाता है, वहीं बुद्धिजीवियों को भी स्थान दिया जाता है। तो पार्टी सोच समझ कर निर्णय लेगी। कोरोना को लेकर बड़ी हिदायत दी गई है सर, इसके संबंध में कोरोना पूरे दुनिया में इसका प्रकोप है, हजारों लोगों की जाने चली गई, लाखों लोग इससे पीड़ित हैं और अभी तक के इसके लिए कोई दवाई नहीं निकला है। ऐसे में बचाव में ही सुरक्षा है, और इसलिए जहां हमने स्कूल कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया है, अब आंगनबाड़ी के लिए भी आदेश हो गया है, कॉलेज के लिए भी आदेश हो जाएगा। साथ ही आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, उसमें भी ये हम लोगों ने सुझाव रखा कि इसे 25 तारीख तक के बंद रखा जाए विधानसभा को, और इसकी विधिवत घोषणा विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष 16 तारीख करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.